एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आसमगढ़ में सपा बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर भी निरहुआ आगे चल रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ यहां पर आगे चल रहे हैं। दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ यहां पर 12,301 वोटों से आगे चल रहे हैं सपा के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर भी जो कांटे की टक्कर अब तक चल रही थी, लेकिन अब बीजेपी के प्रत्याशी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी रामपुर की सीट बीजेपी के खाते में जा चुकी है, लेकिन आजमगढ़ की जो सीट है वो निरहुआ के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगते हुए यहां भी नजर आ रहा है, लेकिन अभी यहां पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है, क्योंकि काउंटिंग अभी तक आजमगढ़ की पूरी नहीं हुई है। आजमगढ़ जो कि अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है, मुलायम यादव का गढ़ माना जाता है, लेकिन वो सीट भी अब खिसकती हुई समाजवादी पार्टी से नजर आ रही है, जैसे कि रामपुर सीट को बीजेपी ने जीत लिया है। इंतजार इन दोनों ही वीआईपी सीटों का किया जा रहा था, लेकिन आखिरकार नतीजा ये आया कि आजमगढ़ में बीजेपी के निरहुआ आगे चल रहे हैं और रामपुर सीट को बीजेपी प्रत्याशी ने जीत लिया है। आपको बता दें कि रामपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव का परिणाम आ गया है, यहाँ पर बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी ने 42,048 वोटों से चुनाव जीत लिया है। रामपुर सीट को सपा नेता आजम खान का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर आजम खान ने अपने समर्थक असीम रजा को टिकट दिलवाया था, अपने समर्थक को आजम खान ने टिकट दिलवाया था, खुद आजम खान ने असीम के नाम की घोषणा भी की थी, लेकिन वो हार चुके हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, संगरूर लोकसभा सीट पर शिरोमणि अकाली दल को बढ़त मिलते हुए नजर आ रही है। यहां पर शिरोमणि अकाली दल को बढ़त मिलते हुए नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी पिछड़ते हुए नजर आ रही है। संगरूर में शिरोमणि अकाली दल आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है, प्रत्याशी सिमरनजीत सिंह मान आगे कड़े मुकाबले में। संगरूर लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी पीछे है, हालांकि इस आम आदमी पार्टी के पिछड़ने के बहुत सारे कारण भी बताए जा रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक हो या फिर इसके अलावा कोई और भी कारण हो, लेकिन यहाँ पर श्रोमणि अकाली दल की जीत होते हुए नजर आ रही है, ये कहा जा सकता है। श्रोमणि अकाली दल का प्रत्याशी आगे बढ़ते हुए और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इस समय बहुत ज्यादा पीछे, बहुत ज्यादा फासला इस समय संगरूर की सीट पर नजर आ रहा है। तो तीनों सीटों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, रामपुर, आजमगढ़ और संगरूर, ये तीनों सीटें हैं। रामपुर सीट बीजेपी ने जीत ली है और आजमगढ़ में अभी कड़ी टक्कर चल रही है, हालांकि वहां पर बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ आगे चल रहे हैं। और वहीं संगरूर की अगर बात करें तो संगरूर में यहां पर श्रोमणि अकाली दल के प्रत्याशी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पीछे। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, दिल्ली के राजेंद्र नगर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दुर्गेश पाठक की जीत, यहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दुर्गेश पाठक की यहां पर जीत। आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक 11,555 वोटों से चुनाव जीते हैं। राजेंद्र नगर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत हो चुकी है। दुर्गेश पाठक को सीएम केजरीवाल ने बधाई भी दे दी है, दुर्गेश पाठक को सीएम केजरीवाल ने बधाई दी है और यहां पर आम आदमी पार्टी की जीत हो चुकी है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल खुद मैदान में उतरे थे, उन्होंने चुनाव प्रचार किया था और उसी प्रचार की बदौलत जनता से वोट मांगे थे उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के लिए, लेकिन ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा चुकी है। दुर्गेश पाठक को सीएम केजरीवाल ने बधाई भी दे दी है और ये जीत की बधाई उनको दी गई है। यहां पर उपचुनाव हुआ आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई, हालांकि पहले ही अरविंद केजरीवाल ने इस बात को कहा था कि वोट आम आदमी पार्टी को देना, बीजेपी को नहीं। इस तरह की बहुत सारी बातें अपने रोड शो में अरविंद केजरीवाल ने कही थी, जो कि आज साकार होती हुई नजर आ रही है। और वहीं झारखंड में उपचुनाव का रण, मंडल विधानसभा उपचुनाव पर काउंटिंग लगातार जारी है। यहां पर काउंटिंग लगातार जारी है, 11वें राउंड में कांग्रेस 11,245 वोटों से आगे है, कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की आगे हैं, यहां पर कांग्रेस की प्रत्याशी आगे हैं। उपचुनाव की गिनती लगातार जारी है, उपचुनाव की गिनती यहां पर लगातार चल रही है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी आगे बढ़ते हुए यहां पर नजर आ रही हैं। उपचुनाव की गिनती लगातार जारी है, यहां का नतीजा अभी तक स्पष्ट नहीं है। झारखंड में उपचुनाव का रण यहां पर भी देखा जा रहा है, जहां पर
मांडर विधानसभा उपचुनाव पर काउंटिंग लगातार जारी है, काउंटिंग लगातार चल रही है। 11वें राउंड में कांग्रेस 11,245 वोटों से आगे है। कांग्रेस के शिल्पी नेहा तिर्की इस समय आगे चल रही है, लेकिन काउंटिंग लगातार चल रही है। अभी तक नतीजे स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन बढ़त की ओर बढ़ते हुए कांग्रेस प्रत्याशी यहां पर नजर आ रही हैं। अभी नतीजे साफ होने का इंतजार है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, त्रिपुरा की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। त्रिपुरा में 3 विधानसभा सीटों पर जीती बीजेपी। त्रिपुरा में 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर चुकी है। 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर चुकी है। आपको बता दें कि युवराज नगर में बीजेपी उम्मीदवार मैना देवनाथ जीते और सुरमा में बीजेपी उम्मीदवार स्वप्ना दास जीती, और उसके अलावा शहर बोटोवाली से मानिक शाह जीते हैं। अगरतला से इस समय जिस तरीके का मुकाबला चल रहा है, जो यहां की सीटें हैं त्रिपुरा की, बीजेपी के खाते में जाते हुए बीजेपी एक रामपुर की सीट जीत चुकी है। और उसके अलावा अगर त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में भी बीजेपी को जीत हासिल हुई है। आंध्र प्रदेश के आत्माकुल विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव की अगर बात करें तो यहां पर भी वाईएसआरसीपी के उम्मीदवार रेड्डी जीते हैं। और आंध्र प्रदेश के आत्माकुल विधानसभा सीट की अगर यहां पर बात करें तो वाईएसआर प्रत्याशी जीते हैं। वाईएसआर के खाते में ये सीट जाते हुए विधानसभा सीट पर यहां उपचुनाव हुआ और वाईएसआरसीपी के उम्मीदवार यहां पर जीत गए हैं। वाईएसआर के खाते में ये सीट जो है जा चुकी है। आंध्र प्रदेश का नतीजा आपको बता रहे हैं। इस सीट का इंतजार भी सबको था और ये जो सीट है इसका इंतजार पूरा हो चुका है। आत्माकुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में वाईएसआरसीपी के उम्मीदवार काप्ती विक्रम रेड्डी जीते हैं। ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से और अरविंद संवाददाता हमारे साथ इस समय रामपुर से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अरविंद, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा क्योंकि रामपुर सीट बीजेपी के खाते में जा चुकी है। जी जी, बताना चाहूंगा यहाँ पर कड़ी टक्कर देते हुए जी जी दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और ईशा, मेरा अगला सवाल आपसे होगा क्योंकि जिस तरीके की उम्मीद वहां से जताई जा रही थी, अगर अब तक की बात करें तो, क्योंकि लगातार लग रहा था, आपने भी कुछ देर पहले श्रोमणी अकाली दल का बताया था, और क्या अभी तक वही टक्कर बरकरार है या फिर उतार चढ़ाव वहां पर कुछ देखने को मिला है? देखिए, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के जो प्रधान हैं सिमरनजीत सिंह मान, जो अपनी पार्टी से उम्मीदवार के तौर पर संगरूर लोकसभा उपचुनाव में चुनाव मैदान में थे, उन्होंने ये सीट जीत ली है और करारी हार यहाँ पर आम आदमी पार्टी को मिली है। पंजाब में इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है और 3 महीने की पहले की बात करें, यहाँ पर जितनी भी बड़ी पार्टियाँ थी उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था और एक बदलाव के चलते फुल मेच्योरिटी से यहाँ पर सरकार बनी थी। प्रचंड बहुमत मिला था आम आदमी पार्टी को। और संगरूर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें, संगरूर लोकसभा सीट की अगर बात करें, वहाँ से जो 9 की 9 सीटें हैं विधानसभा हलके की, वो आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी, लेकिन अपना ही किला बचाने में नाकाम रही यहाँ पर आम आदमी पार्टी। और सिमरनजीत सिंह मान, जो कि 77 साल के हैं, एक बार फिर से सांसद चुने गए हैं और पंजाब की जनता ने उन्हें यहाँ से जीत दर्ज करवाई है। देखिए, यहाँ पर भले ही जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी कम रही हो, 50% से कम रही हो, तकरीबन 45% यहाँ पर वोटिंग हुई थी, उसी से ये अंदाजा लगा दिया गया था कि अब जो है पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट नहीं देगी। इसका मुख्य कारण रहा है कानून व्यवस्था, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर और स्टेट है, इसलिए इसे सेंसिटिव स्टेट माना जाता है। जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला
की सिक्योरिटी घटाई गई, उसके बाद वीआईपी कल्चर का खात्मा करने के को लेकर सोशल मीडिया में प्रचार आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया और उसके अगले दिन ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई। ये बड़ा फैक्टर यहाँ पर रहा है आम आदमी पार्टी की हार का। और इसी के साथ अब लोकसभा की सीट की अगर बात करें तो पंजाब से एक भी लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी के खाते में नहीं रही। जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे उस दौरान मात्र एक लोकसभा सीट जीती गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो थी संगरूर लोकसभा सीट, लेकिन वही सीट हार चुके हैं और मुख्यमंत्री का गृह जिला है संगरूर और बड़ी हार यहां पर देखिए आम आदमी पार्टी की हुई है। महज औपचारिक ऐलान होना यहां पर बाकी है। सिमरनजीत सिंह मान जो कि श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के प्रधान हैं, उन्होंने यहां से जीत दर्ज की है। करीब करीब 8000 वोट से औपचारिक जो ऐलान है अभी होना बाकी है। और इसी के साथ जो कांग्रेस के उम्मीदवार है देवेंद्र सिंह गोल्डी वो तीसरे नंबर पे रहे, भाजपा के उम्मीदवार केवल सिंह ढिल्लो चौथे नंबर पे, वहीं श्रोमणी अकाली दल की उम्मीदवार पांचवें नंबर पर रही है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी और अकाली दल के उम्मीदवारों की यहां पर जमानत जरूर जब्त हुई है, लेकिन इसी के साथ यहां पर देखना यह भी होगा कि महज 3 महीने की कारगुजारी के मद्देनजर पंजाब की जनता ने जो वोट दिया है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से निराश होकर किसी और को यहां पर जिताया है। अमूमन देखा जाता है कि जिस पार्टी की सरकार होती है, जिस राज्य में अगर उपचुनाव होते हैं चाहे विधानसभा हो या लोकसभा के, उस पार्टी के खाते में आते हैं। लेकिन यहां पर देखिए स्थिति कुछ और ही अब सामने आ रही है, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार सवालों के कटघरे में है और यही नतीजा यहां पर सामने आया है। और सिमरनजीत सिंह मान जो कि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान है, 77 साल के हैं, 1999 में भी संगरूर से वो चुनाव लड़े थे और सांसद चुने गए थे, लेकिन एक बार फिर से संगरूर की जनता ने उन्हें सांसद बनाया है। लेकिन इसी के साथ एक और जिक्र मैं करना चाहूंगी, जो हाल ही में विधानसभा चुनाव यहां पर 2022 हुए हैं उसमें वो चुनाव मैदान में उतरे थे अमरगढ़ से, संगरूर लोकसभा क्षेत्र में भी आता है अमरगढ़, लेकिन आम आदमी पार्टी के हाथों उन्हें करारी शिकस्त यहां पर मिली थी। लेकिन 3 महीने के भीतर ही जिस तरीके की कारगुजारी यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार की रही है, यही वजह है कि पंजाब की जनता की तरफ से यहां पर श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के जो प्रधान है सिमरनजीत सिंह मान उन्हें जिताया गया है। जी ठीक है ऐशा, हम भी आपके पास हमारे साथ समय अरविंद भटनागर भी जुड़े हुए हैं जो कि रामपुर से समय है। अरविंद, रामपुर का कैसा हाल है, क्योंकि सीट बीजेपी के खाते में आ चुकी है, जश्न का माहौल शुरू? जिस तरीके की जीत 47,000 के आसपास तो कुछ जीत हासिल करी है घनश्याम डोसी जी ने, और देखने की बड़ी बात यह है कि एक चुनावी माहौल में एक गर्मी भी थी यहाँ पर, जिस तरीके की गर्मी, और आजम खान ने अपने जनसभाओं में कहा कि आपके अंदर भी गर्मी इतनी नहीं है जितनी मैंने अपनी कालकोठी में गर्मी काट के और झेल के आया हूँ मैं, और मेरे चेहरे पर कोई काल ना पुट जाए। मुझे जिस तरीके से जेल में 1,00,000 कुछ वोटों से जिताया था आपने, मैं चाहता हूँ वो प्यार वो सम्मान मेरे बरकरार बना रहे और मुझे जीत हासिल हो और आपकी जीत मेरी जीत। उन्होंने एक वर्ग समुदाय को लेकर भी उन्होंने उसमें भाषण दिया था, कहा था कि चाहे वो वाल्मीकि समाज हो या डॉक्टर समाज हो, मुझे सब एक समान है, मैं सबसे प्रेम करता हूँ, इस तरीके की उन्होंने भाषण करी थी। मगर जिस तरीके की उन्होंने अपना दुखड़ा रोया था आजम खान ने, एक पूरी सागर लगा दी थी, उसको देखते हुए घनश्याम लोधी जी ने काफी बहुतों से और जीत हासिल भी करी और अपना समाज में और काफी वोटों में अपने घनश्याम लोधी जी ने बधाई के ऊपर सिर्फ ये बोला कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं और जनता को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाई है। अब जो भी इसमें मुझे सफलता मिली है उसके कारण मैं अब विकास की गंगा लहरेगी, 1.5 साल मुझे प्राप्त हुआ है इसमें, और उसमें देखना आप कोई कसर 1.5 साल में छोड़ूंगा छूटेगी नहीं। अरविंद, जैसा कि लग रहा था पूरी कमान यहाँ पर आजम खान के हाथों में थी, अखिलेश यादव ने भी पूरी कमान आजम खान के हाथों में सौंप दी थी और जो प्रत्याशी वो आजम खान के समर्थक बताए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा करीबी बताए जा रहे हैं, और पूरी कमान संभालने के बाद बहुत बड़ा झटका ये आजम खान के लिए भी, समाजवादी पार्टी के लिए भी। जी बिल्कुल, तो ऐसा लग रहा था कि आज भाजपा इस रामपुर से फिर से दोबारा बुरी तरीके से हारेगी, मगर जिस तरीके से मूवमेंट ट्वीट हुआ और जिस तरीके से बढ़त घनश्याम लोधी ने पकड़ी, उस तरीके से एक ऐतिहासिक जीत है घनश्याम लोधी जी के लिए।
एक ऐतिहासिक जीत के तौर पर इसको बताया जा रहा है। आऊंगी आपके पास ईशा, अगला सवाल मेरा आपसे होगा क्योंकि वहां पर जैसा कि आप भी बता रही हैं और कुछ देर पहले भी आपने बताया था, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका नतीजा आम आदमी पार्टी को यहां पर भुगतना पड़ रहा है और वो इस हार के तौर पर दिखाई दे रहा है। ईशा, बिल्कुल, देखिए जो सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर रहा है वो कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जिस तरीके की यहाँ पर बनी हुई है, यही वजह है कि विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। और जो आप सरकार है इस वक्त सवालों के कटघरे में है। महज 3 महीने का वक्त यहाँ पर हुआ है, 100 दिन की कारगुजारी पर ही कई आतंकवादी घटनाएं पंजाब में पनपी है और जो मुख्य आरोपी हैं अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। सबसे बड़ा जो फैक्टर यहाँ पर रहा है वो सिद्धू मूसेवाला का रहा है, जो पंजाबी सिंगर और कांग्रेस के नेता रहे हैं। और जिस तरीके से जब उनकी सिक्योरिटी कम कर दी गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, बकायदा सोशल मीडिया में आप सरकार की तरफ से एक प्रचार किया गया था कि सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी भी घटाई गई है और ये वीआईपी कल्चर का खात्मा है, और लेकिन उसके अगले दिन ही 29 मई को उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे में यही वजह है कि जो युवा हैं उनकी तरफ से जो आक्रोश था आम आदमी पार्टी के खिलाफ, उसे वोट के जरिए उन्होंने दर्शाया है। श्रोमणि अकाली दल अमृतसर के जो प्रधान हैं वो यहाँ पर जीते हैं, सिमरनजीत सिंह मान। देखिए 9 विधानसभा हल्के संगरूर जिले में आते हैं और 9 की 9 सीटें हाल ही में जो चुनाव संपन्न हुए थे 3 महीने पहले उसमें आम आदमी पार्टी के खाते में आई थी। यहां से संगरूर क्षेत्र की अगर बात करें, मुख्यमंत्री का गृह जिला संगरूर है और संगरूर से वो सांसद थे, लेकिन धूरी से जब उन्होंने चुनाव लड़ा इसी वजह से संगरूर सीट उन्हें खाली करनी पड़ी। गृह जिला है और इसके अलावा शिक्षा मंत्री बरनाला से ताल्लुक रखते हैं गुरमीत सिंह मिथेहर, और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चिम्मा वो भी दिड़वा से हैं, वो संगरूर जिले के क्षेत्र के अधीन ही आते हैं और इसके बावजूद वो गढ़ नहीं बचा पाए। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी यहां पर पहुंचे थे प्रचार के लिए, दिल्ली की पूरी टीम यहां पर पहुंची थी। जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, 10 दिन लगातार उनकी तरफ से रोड शो यहां पर किया गया था, लेकिन अपना जो गढ़ है वो बचा नहीं पाए और पंजाब से एक भी लोकसभा सीट अब आम आदमी पार्टी के खाते में नहीं रही। और अब थोड़ी ही देर में औपचारिक ऐलान भी इसका हो जाएगा और कहीं ना कहीं यहाँ पर धन्यवाद भी किया है सिमरनजीत सिंह मान ने पंजाब की जनता का। और सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर कानून व्यवस्था ही रहा है, क्योंकि संगरूर लोकसभा उपचुनाव में जब प्रचार भी किया गया था पार्टियों की तरफ से, उसमें खासतौर से इसका जिक्र किया गया था कि अगर सिक्योरिटी विड्रॉ नहीं की जाती, कम नहीं की जाती, तो सिद्धू मूसेवाला अभी सभी के बीच में होते। यही वजह है कि कानून व्यवस्था के चलते इस वक्त जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो बैकफुट में है बॉर्डर एरिया के साथ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटा पंजाब और अभी भी ड्रोन के माध्यम से। ईशा, एक तरीके से कह सकते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रभाव बहुत अच्छा है, जो कि आज राजेंद्र नगर सीट पर देखने को भी मिला है। लेकिन अभी पंजाब में सरकार तो बन गई है आम आदमी पार्टी की, लेकिन जो जड़ों को मजबूत करना है वो अभी बाकी है पार्टी के लिए। ईशा, देखिए दिल्ली मॉडल पर ही यहाँ पर चुनाव लड़ा गया था, और अगर हम दिल्ली और पंजाब को कंपेयर करें तो दोनों में कंपैरिजन नहीं हो सकता है, दोनों के अपने अपने मुद्दे हैं। और दिल्ली के मॉडल और कहीं ना कहीं बदलाव के चलते आम पार्टी को यहाँ पर तवज्जो दी थी पंजाब की जनता ने, लेकिन 3 महीने की जो 100 दिन की कारगुजारी है आम आदमी पार्टी की, उसमें ही जो सत्ता में आने से पहले वादे किए थे वो भी पूरे नहीं किए। बाकायदा कानून व्यवस्था को लेकर जो स्थिति बनी हुई है वो सभी के सामने जग जाहिर है। आतंकवादी घटनाएं यहां पर हो जाती है, यहां पर अटैक हो जाता है इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर दिन शाम के वक्त में, लेकिन जो आतंकवादी हैं वो गिरफ्त से बाहर हैं। इसके अलावा कई आतंकवादी पंजाब से होकर गुजर जाते हैं, हरियाणा पुलिस उन्हें पकड़ लेती है हथियारों सहित, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई, लॉरेंस बिश्नोई से अभी तक पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक नहीं पता चल पाया है कि आखिरकार जो मास्टरमाइंड है लॉरेंस बिश्नोई, किस तरीके से जो रचा गया था षड्यंत्र, वो अभी तक पता नहीं चल पाया है। केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली पुलिस आती है, उनकी तरफ से कई गिरफ्तारियां की गई है। ये तमाम वो मुद्दे हैं, क्योंकि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, दिल्ली के अपने मुद्दे हैं, पंजाब के अपने मुद्दे हैं, बॉर्डर स्टेट होने के चलते सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का बनता है। यही वजह है कि यहाँ पर इतनी करारी हार हुई है, गृह जिला नहीं बचा पाए हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, गृह जिला नहीं बचा पाए हैं उसके बाद भी। तो ईशा, माहौल कैसा है, क्या जो जीत की खुशी है वो श्रोमणी अकाली दल में देखने को मिल रही है, और क्या इसके बाद आम आदमी पार्टी को मंथन करने की और ज्यादा जरूरत है अगर टेक्निकली देखा जाए तो?
बिल्कुल, देखिए मंथन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और कल आम आदमी पार्टी का बजट, पहला बजट भी आने वाला है और उसमें किस तरीके से उम्मीदों पे खरी उतरती है आम आदमी पार्टी वो आने वाला समय ही बताएगा। और ऐसे में क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहा था कि चुनाव से पहले सत्ता में काबिज होते हैं तो महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाएगा, जो 18 साल से ऊपर होंगी, फ्री बिजली सभी को दिया जाएगा, वो भी अभी पूरा नहीं हुआ है, अब 1 जुलाई को इसे कहा जाए कि पूरा करेंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा है कि कानून व्यवस्था जिस तरीके से चरमरा गई है उस पर कहीं ना कहीं मंथन करने की यहाँ पर ज़रूरत है। और देखिए जो जीत भी हुई है, आपने कहा कि किस तरीके का माहौल है, सिमरनजीत सिंह मान के जो समर्थक हैं लगातार जश्न बना रहे हैं, बाकायदा वो सिग्नेचर जिस तरीके से जो उन जो सिद्धू मूसेवाला जिस तरीके से गाते वक्त अपना जो सिद्धू मूसेवाला का स्टाइल था उसे अपनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं जितने भी बुजुर्ग हैं या युवा हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सिद्धू मूसेवाला की जिस तरीके से हत्या हुई है वो बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर काम कर गया, क्योंकि उनके परिवार जो सिद्धू मूसेवाला का परिवार है उनके परिजनों से लोगों की संवेदना काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई है और इस मानसा से ही ताल्लुक रखते थे सिद्धू मूसेवाला, जो कि संगरूर लोकसभा क्षेत्र के अधीन आता है। यही वजह है कि यहां पर हार का सामना करना पड़ा और 3 महीने के भीतर इस तरीके की हार का सामना करना पड़ा है। और 3 महीने के भीतर, जबकि 3 महीने के पहले की बात करें तो 9 की 9 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी और संगरूर वो लोकसभा क्षेत्र है जहां से भगवंत मान 2014 में भी सांसद बने और 2019 में भी, 2019 में तब बने जब पूरे देश में आम आदमी पार्टी का एक भी सांसद चुना नहीं गया। तो ऐसे में एक यहां पर आम आदमी पार्टी को मंथन करने की जरूरत भी है, क्योंकि 3 महीने के भीतर इस तरीके से जनता में आक्रोश आखिर क्यों। तो ऐसे में हालांकि जो आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी प्रतिक्रिया भी आ गई है, उनका कहना है कि वोटिंग काफी कम रहा है क्योंकि धान की बुआई चल रही है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया ईशा, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के, लगातार अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति से, जो सियासी संग्राम वहां पर समय चलता हुआ नजर आ रहा है, शिंदे गुट में एक और विधायक शामिल हो सकता है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिवसेना MLA उदय सामंत शिंदे हो सकते हैं शामिल और ये शिंदे गुट की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सियासी संग्राम लगातार बढ़ता चला जा रहा है, एक और विधायक यहां पर शामिल हो सकता है, उदय सामंत शिंदे बताए जा रहे हैं जो कि अब शिंदे के गुट में शामिल हो सकते हैं, एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो सकते हैं, यानी जो संख्या बल है वो एकनाथ शिंदे की तरफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है और करारा झटका देते हुए उद्धव ठाकरे को, फ्लोर टेस्ट कराने को उद्धव ठाकरे एक तरफ तैयार हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ देखें तो एकनाथ शिंदे अपने विधायकों का जो संख्या बल है उसको लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और लगातार बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, हर दिन देखने को मिलता है। आज ही बैठक भी रखी गई थी एकनाथ शिंदे ने, आज जो बागी विधायकों की बैठक रखी उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया, हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन अब इतनी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब एक और विधायक एकनाथ शिंदे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, एक और विधायक। राजन मिश्रा संवाददाता इस समय मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजन, एक और विधायक शिंदे गुट की तरफ जा सकता है? हाँ बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर एकनाथ और शिंदे का क्या होगा महाराष्ट्र की राजनीति में वो पिछले 3 से 4 दिनों से पूरा देश देख रहा है, और ऐसे में जिस तरीके से जानकारी आ रही है कि उदय सामंत जो है वो भी एकनाथ जो गुट है उसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि और लगातार अभी बता दो आपको कि महाराष्ट्र में लगातार जो है बैठक का दौर जारी है, एक तरफ आदित्य ठाकरे ने आपके सेना भवन में जो लगातार जो युवा सेना है उनकी बैठक बुलाई गई है, और देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के ग्रुप के जितने भी विधायक थे या फिर उनके घर पर या फिर उनके कार्यालय पर तोड़फोड़ भी किया जा रहा है, जिसको लेकर बाकायदा केंद्र सरकार ने बाकायदा इनको जो है व्हाइट लिस्ट की जो सिक्योरिटी होती है ये भी आमतौर पर उन्हें मुहैया करवाई गई है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि एकनाथ शिंदे आगे क्या रुख अपनाते हैं, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे का जो बूथ है वो लगातार मजबूत होते जा रहा है, पहले उनके पास 12 विधायक थे, फिर 20 विधायक हुए, 25 विधायक हुए, 30, 35, 40 है, और ऐसे में कुछ निर्दलीय 50 का आंकड़ा करीब हो चुका है, और अब जानकारी मिल रही है कि उदय सामंत भी जो है उदय सामंत जिनका नाम है
वो भी एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ तो भले उद्धव ठाकरे कह रहे हो कि अपने बाप के नाम पर आप वोट मांगते दिखाइए, और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो लगातार मजबूत होते जा रहा है। तो अपने आप में ये देखना होगा कि यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति में कौन मजबूत आया है, कौन सामने आता है। और एक तरफ देवेंद्र फडणवीस भी लगातार बैठक कर रहे हैं, लगातार बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी भी बैठक जारी है, लेकिन देखना होगा क्योंकि आज एक बैठक होनी है, शाम के वक्त एक बैठक होनी है, उसके बाद देखते हैं इस बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बैठक चल रही है अब देख